बाहर हमारी इस बार माला नहीं लग रही है और इस बार की दिवाली हमारी बहुत आज भानु मित्र ने क्या लेके आया। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ जानकी जोशी हल्द्वानी नैनीताल से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना और आज खाने में बन रहा है झोली और भात। मूली वाली सीखा खुश हो गई झोली बना रहे करके। तो झोली और भात बना रहे हैं, मूली वाली झोली बन रही है। ये देखो इतनी खुशी हो रही है आज झोली बनाने में। तो आज 4-5 दिन से लगातार दाल ही, मेरे बाल खींच गए, सीखा पीछे से बाल खींच रहे, बाल खींच रहे बेटा। तो 4-5 दिन से लगातार हमारी दाल बन रही थी। तो आज मैंने कहा चलो झोली खाते हैं। तो बच्चे झोली की अच्छाई मानते हैं लेकिन कभी कभार ये निकल रोजी झोली। तो पहले मैं सोच रही थी कि कापा भात बनाऊंगी लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। आज पता है सुबह से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ। छोड़ दे जरा हाथ, छोड़ दे, कमर में दर्द हो रहा, क्योंकि ना आज बहुत सारे काम हो गए थे। आज धनतेरस का दूसरा दिन है तो घर के बहुत सारे काम हो रहे थे, साफ सफाई को लेकर भी। तो इसीलिए लेट हो गया, ब्लॉग भी लेट हो गया और खाना भी लेट हो गया हमारा, 1 बज गया है। लेकिन आज बच्चे घर में हैं तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए फटाफट बना रही हूँ खाना। अभी खाते हैं झोली भात मस्त वाली, फिर देखते हैं क्या होता है आगे ब्लॉग में। बने रहे आप और नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो फाइनली दोस्तों झोली बनके हो गई है तैयार। देखिए मूली वाली झोली बना दी है मैंने और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है और धनिया भी काट दिया है। तो अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया मस्त वाला। तो ये फर्स्ट क्लास झोली बनके तैयार हो चुके हैं और अब हम खाने वाले हैं गर्मा गर्म भात। तो खाना बन गया है, 2-4 बर्तन में फटाफट से इनको धो लेती हूँ, उसके बाद देती हूँ बच्चों को खाना। अब बोल, अब तेरी आवाज बंद क्यों हो गई आवाज, बोला बस हो जाती है बीच में, क्यों बंद क्यों हो गई बीच बीच में तेरी आवाज, बोला पतले मैं तो बहुत ही करती हूँ, बहुत करती है अभी दिख रही है तो चाने में रखना तेरे कानों, तुझे खाना पे बैठ जरा चीची, तेरे पैर तो देखने लायक ही नहीं होता है। ये कितनी प्यारी है ना मम्मी, दिखाना दिखाना पैर जरा अपने, देख लो देख लो, लाइव नहीं हो रहे वो बम फूटते तभी होते हैं हैं वो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने गद्दे का कवर है ना ये निकाल के कल मैंने धोए थे और इनको मैं अभी डाल रही हूँ गद्दे में। तो ये काम है मेरा अभी का। और मैंने अभी जस्ट मैंने चूड़ियाँ डाल ली हैं हाथ में क्योंकि कल दिवाली है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलेगा चूड़ियाँ डालने का। तो ये करवा चौथ वाली चूड़ियाँ थी मेरी, तो ये मैंने निकाल के रखी थी उस दिन, बहुत सारी चूड़ियाँ थी। तो इतनी चूड़ियाँ घर में काम करने में क्या है कि हाथ लगते रहते हैं दादा, तो मैं कंगन डाल लिए थे, आज मैंने फिर से यही चूड़ियाँ डाल ली हैं। तो कल शायद हो सकता है मैं वही वाली साड़ी पहन सकती हूँ। तो गद्दे के कवर फाइनली लग चुके हैं और मैंने आज पुराने वाले ही बेडशीट बिछा दी है क्योंकि मेरा काना मेरा ड्राइंग करता तो ऐसा कर देता है चादर की हालत, तो इसलिए आज यही वाली चादर बिछा दी है चादर, और कल मैं इसमें बिछाऊंगी नई वाली चादर। ठीक कर दिया है और साथ में बैठा दिया है डैडी को, और अब मेरे और काम हैं और काम करती हूँ, जैसे कि माला लगाना। मंदिर में माला लगाती हूँ क्योंकि मंदिर में तो माला लगानी पड़ेगी, बाहर हमारी इस बार माला नहीं लग रही है। और इस बार की दिवाली हमारी बहुत फीकी दिवाली है क्योंकि इस बार हमारे ताई जी जो है मेरी सासू माँ की जो जेठानी है वो एक्सपायर हुई थी, आपने जो मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा, तो वो एक्सपायर हुई थी तो इसलिए हमारी दिवाली इस बार थोड़ा फीकी है। और इस बार की मेरे मायके की दिवाली भी फीकी है, वहाँ पे पिताजी एक्सपायर हुए थे। तो इस बार की दिवाली हमारी कोई ख़ास नहीं है, क्या बताएं आपको। तो यहाँ भी ऐसी है, मायके में भी ऐसी है, तो बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि दिवाली में हम बहुत मतलब उत्साहित होते हैं त्यौहार के लिए, बहुत कुछ करते हैं। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली मतलब आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे क्योंकि हम कुछ हमारा कुछ ऐसा तैयारियाँ ही नहीं हो रही हैं। इस बार मेन जो माला होती है ना, माला लगने से ही घर में रौनक आ जाती है, तो माला नहीं लग रही है। आज हम मंगल से इसमें और यहाँ पर आज मेरा भतीजा आया है फ़ोन आईफोन लेने के लिए, तो ये आज बनने वाला है आईफोन का हकदार। दिवाली कल है, खुशी के दिए आज से ही लग गए हैं, ये देखो खुशी ने पूरे घर में दिए जला दिए,
वो भी घी के। हाँ, ये बाहर सीढ़ी में इसने पूरे नीचे से लेके ऊपर तक दिए जला दिए पूरे घर में खुशी ने। मैं दू कहाँ कर लो बच्चा, आप कहाँ कर लो बाबू, आप ठीक हो? अरे वाह अली, गुच्छा तो नहीं आया आपको? गुच्छा तो नहीं आया बच्चा? मैं फूल लेके आ गई हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं फूल लेके आ गई हूँ, 1 kg फूल लाई हूँ। तो इतना ठंडा लग रहा ना बाहर आज, पता नहीं पहाड़ों में या तो बारिश हो रही है, मतलब भी हो रहा है, लेकिन अंदर बहुत ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम उड़ाने वाले, क्या बोलते हैं इसको, गैस का हॉट बैलून बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हॉट बैलून नहीं बोलते हैं पागल, इसको कुछ और बोलते हैं। बहुत ठंडा हो रहा, हवा चल रही बहुत तेज। टेप ले आ दे जल्दी, टेप ले आ मम्मी, मकान ट्रेन है, मशीन के ऊपर रख दिया, जल्दी जा। पहाड़ों में काम धाम मिले जा सहरा, पहाड़ों में काम धाम मिले जा सहरा, गोबिंदी नखर दिखे कम कमा। अभी रुक रुक रुक, अभी कहाँ पहुँच गया वो? इधर को आओ ना, हवा नहीं आ रही है। पगड़ी, अरे इसका ऊपर से तो खोल ले। अरे पेपर जल गया, जल गया, जल गया। ओह, छोड़ दे ऊपर से, ऊपर से छोड़ दे, खुशी दी थोड़ा यहाँ को हवा लान जाने से, उठाते हैं इसको, मैं कहाँ ऊपर जाऊँ। अरे वो जलता है किनारे से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दो छोड़ दो, उसमें हवा भरेगी, उसमें तो पड़ेगा। देखो सिखा आ जा। अरे उड़ना। सिखा आ जा। अरे ऐसे खुद जाएगा। अरे मुंह जल गया पूरा, मुंह में तेरा हाथ सब खुद छूट। छोड़ दे उसको आप, अरे अरे छोड़ दे, बनी है वीडियो, एयर भर दे, थोड़ी गर्म हो रहा है, छोड़ दे तू। हाँ बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ छोड़ दे छोड़ दे। आज भानु मेरे देवता ने क्या लेके आया है? अरे मैं बता रहा, पिज्जा है। पिज्जा लेगा? पिज्जा लाया? मेरे नाक से बच गए। गिफ्ट नहीं है, गरम तो मुझे लग रहा था। अरे पिज्जा है तो मेरे लिए खाने के लिए लाया है आज, बहुत प्यारी सी चीज। देखते अभी क्या तो ये भानु को मैंने आज फोन दिला रखा है। कौन सा है? मैंने दिला रखा है ना भानु, किसने दिलाया बता? सैमसंग है, S23 है दोस्तों, देखो S23 है। तो मेरे इसलिए लाया है कि चाची ने मुझे फोन दिलाया है। थैंक यू तो बोल दे। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी बनाते हैं खाना, क्योंकि अब टाइम भी काफी हो गया है, 7:30। नहीं यार, टाइम तो 6:30 ही नहीं हुआ है अभी, अंधेरा इतना हो जाता है आजकल, 6:30 नहीं हुआ है अभी, 6:15 हुआ है। तो खाने पीने की तैयारी करते हैं, और आज खाने में पता नहीं क्या बनेगा, वो भी पता नहीं है कि क्या बनने वाला है करके।
तो देखते हैं क्या बनते हैं। फिलहाल पहले मैं बर्तन धोती हूँ चाय पानी के, और उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। तो आज का ब्लॉग भी इंपेंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कल मिलेंगे दिवाली वाले ब्लॉग।